सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द 20 डेज करंट अफेयर क्रैश कोर्स ऑफ यूपीपीसीएस 2019। तो आज 10वां दिन और हम लोग हाफ वे मार्क पे पहुंच चुके अपने क्रैश कोर्स में। तो हम लोग आज जो है वो सिर्फ 2017 का जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो 2017 के प्रीवियस ईयर पेपर को हम लोग आज डिस्कस करेंगे डिटेल में और उसके क्वेश्चंस को एनालाइज करेंगे कि हाउ द क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड 2 ईयर्स बैक। और 2018 जो हमारा क्वेश्चन पेपर रह जाएगा उसको हम लोग एक अलग क्लास में सेपरेटली एनालाइज करेंगे, जो मोस्ट रिसेंट हमारे लिए है, दैट इज द लेटेस्ट वन। ओके, सो दैट वी आर गोइंग टू कवर इन अ सेपरेट लेक्चर, दैट इज द 2017 का जो पेपर है वो हम लोग एक सेपरेट लेक्चर में अलग से डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग सिर्फ 2017 के जो है वो पेपर को सॉल्व करेंगे। ओके, सो लेट अस बिगिन द डिस्कशन। तो ग्रेड अप से हमने इसको पिक किया हुआ है, ग्रेड अप में इनका डिटेल एनालिसिस के साथ क्वेश्चंस अवेलेबल थे 2017 के। तो हम लोग देखें तो वैसे ही मैं जैसे कि क्वेश्चन पेपर डिस्कस करता हूँ प्रीवियस ईयर के, तो साइड बाय साइड हम लोग क्या करेंगे, जो एरियाज हैं उनको डिस्कस करेंगे किस एरिया से क्वेश्चन पूछे गए। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं स्वदेश दर्शन स्कीम, सो दैट इज अ गवर्नमेंट स्कीम, गवर्नमेंट स्कीम का क्वेश्चन है ये पहला। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है यूपी से, 1 अप्रैल 2017 से जो मिनिमम वेज है वो कितना फिक्स किया यूपी गवर्नमेंट ने। ओके, उसके बाद आपको फिर से आपको सेक्स रेशियो मतलब कि सेंसस का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि सेक्स रेशियो बेस पे किस पर्टिकुलर स्टेट को इकोनॉमिकली टॉप पे है बट वो सेक्स रेशियो में लोएस्ट पे है। देन वी हैव नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, तो सर्वेज आपको सेंसस इससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देन अगेन वी हैव अ स्कीम नोन एज ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है स्कीम जो है आपको गवर्नमेंट की रिसेंट स्कीम्स, और वो भी स्पेसिफिकली वो सारी स्कीम्स जिनका इम्प्लीकेशन जो है वो यूपी के अंदर, जैसे कि अगर नमामि गंगे की हम बात करें तो अभी नमामि गंगे जो है या फिर आपको जो जल विकास मार्ग प्रोजेक्ट है वाराणसी से कनेक्ट करने की बात है, तो ऐसे स्कीम जिनका इफेक्ट डायरेक्टली यूपी के साथ है वो क्वेश्चन हमारे लिए, वो स्कीम्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ओके, फिर इंडस्ट्रियल लोकेशंस और जो आपको यूपी के जो फेमस लोकेशंस है वहाँ पे कौन कौन सी इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज लोकेटेड है उनके मैज ऑफ फॉलोइंग, हर साल क्वेश्चन आते हैं, आपको इसके बारे में जानकारी अच्छे से होनी चाहिए। देन ये आपको यूएनओ इंटरनेशनल अरीना से क्वेश्चन है, इसके बारे में अपना करेंट में बोल सकते हैं ना कुछ बोल सकते हैं, बट ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनको आपको अगर पता है तो पता है वरना आप इसमें कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, तो अब 1995 में यूएन ने डेफिनेशन ऑफ एब्सोल्यूट पॉवर्टी को जो है वो अडॉप्ट किया था, तो ये क्वेश्चन मैं कहूँगा इसको आप ऐसे क्वेश्चन को आप इग्नोर ही कर सकते हैं, आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते इन क्वेश्चन को। डेफिनेटली ये सारे क्वेश्चन जो है जैसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है उसके कौन से एक पैरामीटर इस चारों में से नहीं है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो गई, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स हो गई, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स हो गई, तो जितने भी फेमस इंडिसेस वगैरह हैं उनके जो पैरामीटर्स हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ओके, नाउ जो पहला समिट यूनेस्को का हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो बेसिकली आपको इस क्वेश्चन में थोड़ा दिमाग लगाना था क्योंकि किसी के लिए ये दैट इज इम्पॉसिबल ऑलमोस्ट दैट हाउ टू रिमेंबर कि पहला किसी भी चीज़ का जो इवेंट था वो कहाँ पे हुआ था वर्ल्ड समिट, अनटिल अनलेस यू नो आपको इतना पता होना चाहिए कि यूनेस्को इसके हेडक्वार्टर अगर लंदन में है तो ऑब्वियसली पहला जो समिट हुआ था वो वहीं पे हुआ होगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि वर्ल्ड समिट ऑन सोशल डेवलपमेंट इज ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड आंसर इज कोपेनहेगन, तो यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन, तो इस क्वेश्चन का भी आपको आंसर जो है वो वैसे ही समझना होगा कि हाँ इन क्वेश्चंस के बारे में भी आपको तब तक आप पता नहीं कर सकते बिकॉज आप देख सकते हैं कि 1995, सो कोई रिलेशन भी नहीं है कि कुछ ऐसा हुआ हो अभी रिसेंटली, जैसे कि मान लीजिए होता है कि 20 ईयर्स हुए सेलिब्रेट, 30 ईयर्स 40 ईयर्स, बट नहीं कुछ नहीं, 22 ईयर्स हुए हैं 2017 में तब ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मतलब कि इन क्वेश्चन को आप कुछ नहीं कर सकते, आपको या तो पता है या फिर आप यू कैन सिंपली इग्नोर क्योंकि अब नेगेटिव मार्किंग है आप इसको। वैसे मेरे पास अगर इसका जो आर्ग्यूमेंट था जो मैंने आपको बताया अभी यूनेस्को तो लंदन हो सकता है, बट दैट इज नॉट द आंसर। देन स्कीम इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज स्कीम जो है आपको वो उसके बारे में पूछा गया है, इसमें कौन कौन सी चीजें नॉट प्रोवाइडेड अंडर दिस पर्टिकुलर स्कीम, फिर स्कीम्स हैं आपको नीचे, फिर इकोनॉमिक सर्वे, तो हमारे लिए इकोनॉमिक सर्वे
और बजट, ये सब को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, दोनों का, इंडिया का भी और यूपी का भी। इन पर्टिकुलर स्कीम्स को जो लॉन्च करा गया उनकी जो ना आपको क्रोनोलॉजी बतानी है कि सबसे पहले कौन सा स्कीम था, फिर कौन सा आया, तो वो सारी चीज स्कीम्स के ऊपर क्वेश्चन आप देख सकते हैं 2017 में बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। फिर जो मालाबार एक्सरसाइज है वो इंडिया और यूएसए किसके साथ कर दिया, तो जापान के साथ। तो बायलेटरल और ट्राइलेटरल एक्सरसाइजेज आपके लिए इंपॉर्टेंट, सॉरी। देन वी हैव 2017 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स, इसमें इंडिया की रैंकिंग, तो अभी जो 819 की रैंकिंग है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इन फर्स्ट डेमू ट्रेन जो इंडिया में सोलर पावर्ड कोचेस के साथ लॉन्च करा गया, वो किस स्टेशन से किया गया था। फिर अवार्ड्स, देन वी हैव फीफा कॉन्फेडरेशन कप, तो ये भी अवार्ड हो गया। देन G20 समिट, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया, तो रिसेंट G20 समिट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी हमारा ओसाका जापान में हुआ था। देन क्रिकेट स्पोर्ट्स क्वेश्चन, देन अगेन करेंट क्वेश्चन फ्रॉम इंडिया, दैट इज द लेंथ ऑफ ढोला सद्या ब्रिज, दीज आर वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन। फिर जो पहला सेमी हाई स्पीड ट्रेन तेजस था वो कहाँ से कहाँ तक रन करेगा, ठीक है, तो SCO समिट, तो किस आपको समिट के अंदर इंडिया को परमानेंट मेंबरशिप मिली थी, दैट वाज अस्ताना। फिर ब्रिक्स कहाँ कहाँ होने वाली है, ये क्वेश्चन हमेशा पूछते हैं, तो जब अगली ब्रिक्स जहाँ भी होने वाली होगी, अभी तो हमारा ब्राज़ील में हुआ, आगे जो होने वाली होगी वो क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। फिर करेंट जो रैंकिंग्स है आपको सरस्वती सम्मान अवार्ड्स वगैरह इनके बारे में क्वेश्चन हैं। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे का थीम क्या था, करेंट के क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि 2017 में करेंट के क्वेश्चन ज़्यादा हैं। ये सारे आप करेंट के क्वेश्चन हैं। जो कस्तूरी रंगन पैनल बनाई गई थी, जो अभी रिसेंटली उन्होंने रिपोर्ट सबमिट करा, तो ये उसके बारे में क्वेश्चन है। स्पोर्ट्स है ऑस्ट्रेलियन ओपन, देन लोकेशंस और पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट जो वहाँ पे हैं उनसे मैच करने के लिए पूछा गया है। फिर करेंट का क्वेश्चन है, वे बेस्ट प्लेटफॉर्म था प्रतिबिंबा, वो कहाँ पे था, वो सारी चीज़ें। देन अगेन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, तो रिपोर्ट्स इंडिसेस, करेंट, यूनियन बजट, इकोनॉमिक सर्वे, फिर वर्ल्ड में जो हैपनिंग्स हो रही हैं, वर्ल्ड इवेंट्स, उनके क्वेश्चन हैं यहाँ पे। देन SPM सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर, जो PM 2.5 और वे सब, उनके बारे में क्वेश्चन है। देन पहला नेशनल पार्क जो इंडिया में स्टैब्लिश हुआ था, तो जिम कॉर्बेट, उसके बारे में बात यहाँ पे कही गई है। फिर इन्वायरमेंट के क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन इन्वायरमेंट के, बट अभी आप यहाँ क्या देख सकते हैं 2016 तक और 2017 से आप क्या देख रहे हैं कि जो बेसिक क्वेश्चन है उनकी जो अमाउंट है, जो क्वांटिटी है, वो थोड़ी रिड्यूस हो रही है, आप देख सकते हैं उसको। तो इनिशिएटिव्स, स्कीम्स, ये सारा क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा पूछा जा रहा है। बेसिक्स हैं अभी भी, आप देख सकते हैं बेसिक क्वेश्चन है कि अमाउंट ऑफ रेन डिपेंड्स अपॉन वॉटर, तो ये ज्योग्राफी का बेसिक क्वेश्चन है, बट जो अमाउंट है वो क्वांटिटी थोड़ी कम हो गई है, डेज को मैच करने के लिए पूछा गया है। देन फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट किस ईयर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च करा, कोरम क्या है लोकसभा मीटिंग को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए, तो ये बेसिक क्वेश्चन है, 1/10 इज द कोरम। सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का ये क्वेश्चन था, पॉलिटी के ये बेसिक क्वेश्चन है। देन दिस इज अ वेरी टफ क्वेश्चन ऑब्वियसली, सरकारिया कमीशन का कौन मेंबर था इनमें से, आपको याद रखना है कि सरकारिया कमीशन के जो मेंबर्स थे वो थे, सरकारिया तो थे ही, फिर शिवरमन और SR सेन, ये आपको याद। पहली बार आसपास 52 में ऑब्वियसली कंडक्ट हुआ था। फिर बेसिक क्वेश्चन है ये पॉलिटी के, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बेसिक क्वेश्चन जो पॉलिटी के हैं वो थोड़े बेसिक्स पूछे हैं इन लोगों ने।
नाउ एंशिएंट से क्वेश्चन है तो वो बेसिक, एंशिएंट मेडिवल के क्वेश्चन तो बेसिक ही होंगे, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देख सकते हैं कि हाँ एंशिएंट और मेडिवल के क्वेश्चन जो है वो 5 6 7 क्वेश्चन हैं, दे विल बी बेसिक। तो ये सब क्वेश्चन आपको अगर बेसिक्स मेडिवल के बहुत ज़्यादा डिटेल में पता है तभी आप क्वेश्चन ये सॉल्व कर पाएंगे कि जौनपुर स्टेट का लास्ट रूलर कौन था। मॉडर्न क्वेश्चन जो है आपको पता होने चाहिए, मॉडर्न क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं एज कम्पेयर टू एंशिएंट एंड मेडिवल। रिवोल्ट और उसके मैचिंग, ट्राइबल अपराइजिंग और उसका मैच करने के लिए पूछेगा, फिर सोशल रिफॉर्म्स उनके बारे में पूछेंगे क्वेश्चंस, ट्रेडिंग सेंटर जो बनाए थे अलग अलग यूरोपियन पावर्स ने कहाँ पे बनाए थे वो इंपॉर्टेंट है, जैसे डच ने किन किन जगह पे बनाया था, तो इन तीनों जगह पे कोचीन, अहमदाबाद, पटना, सूरत, भरूच, आगरा, नागापट्टनम, चिंसूरा और मछलीपट्टनम। फिर नेशनल कांग्रेस के बारे में क्वेश्चन होगा, मुस्लिम लीग के बारे में क्वेश्चन होंगे, नेशनल मूवमेंट से क्वेश्चन होंगे, इनसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे हिस्ट्री के पार्ट में। फिर ज्योग्राफी का आप देख सकते हैं बेसिक क्वेश्चन है कि कौन इसमें कोल्ड करंट नहीं है। फिर पासेस के नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पासेस हर एग्जाम में पूछे जाते हैं ऑलमोस्ट। ऑयल कैपिटल ऑफ यूरोप किसको बोलते हैं, अबरदीन, जो नॉर्थ सी में है। तो इंटरनेशनली भी जो आपको ज्योग्राफी के में वर्ल्ड के जो लोकेशन से ज्योग्राफी के वर्ल्ड ज्योग्राफी के वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए। फिर मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन, इंडिया का डीपेस्ट पोर्ट पारादीप उड़ीसा वाला, रेड सी किसका एग्जाम्पल है, तो एक्सियल ट्रफ का एग्जाम्पल है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया में किन किन स्टेट से पास करता है वो क्वेश्चन है। तो इसी तरह इक्वेटर भी पूछ सकता है कि वर्ल्ड में किन किन कंट्री से इक्वेटर पास करता है। फिर से हिल्स और रेंजेस हैं उनकी नॉर्थ साउथ अरेंजमेंट या फिर ईस्ट टू वेस्ट अरेंजमेंट भी पूछते हैं लोग। थर्मल पावर प्लांट या फिर कोई भी प्रोजेक्ट है वो किस रिवर के ऊपर है उसके ऊपर क्वेश्चन आएगा। देन वी हैव द फेमस कंपनीज, एल्यूमिनियम कंपनी जो है इंडिया में और कहाँ कहाँ उनके लोकेटेड है, तो इंडस्ट्रियल लोकेशन आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। उसके बाद कंट्री और उनके कैपिटल पूछा है यहाँ पे, तो हार्डली चांसेस है। हाँ भाई, जो नए नए कैपिटल चेंजेस हुए हैं उनको लेकर कैपिटल के नाम पूछे जा सकते हैं, जैसे कजाकिस्तान का अस्ताना से नूर सुल्तान हुआ है, तो ब्रुंडी की कैपिटल चेंज हुई है, तो वो सारी चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती हैं। फिर साइंस से क्वेश्चन है, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन अभी आपको पूछे जा रहे हैं, किस हार्मोन का क्या फंक्शन है, इनको मैच करिए, यूरिया जो है वो क्या है। ओके, आयोडीन की डिफिशेंसी क्या होता है, तो हमने बचपन से पढ़ा है ग्वाइटर होता है। देन वी हैव कौन सा फ्यूल जो है मिनिमम इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन करेगा, तो ये क्वेश्चन इन्वायरमेंट से, साइंस से क्वेश्चन हो गए। आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो है उसको कैसे प्रिसाइजली आप ट्रैक कर सकते हैं, तो डॉपलर इफेक्ट जो था फेमस उसके थ्रू। जेनेटिक डिजीज कौन सी नहीं है इसमें, विटामिन और उनकी एफिशिएंसी से क्या होता है। तो ये बेसिक क्वेश्चन आपको साइंस के थे। फिर सेंसस, इकोनॉमी का क्वेश्चन कि चाइना ने कौन सी बैंक इस्टेब्लिश करी है, स्कीम्स के जो लॉन्च डेट्स हैं उसके अकॉर्डिंगली अरेंज करना है। तो ये हमारा ख़त्म हुआ, बट हमने जो एनालाइज करा है आज के पेपर से 2016 तक जो हमने एनालाइज करा था उसमें हमारा था कि पॉलिटी, तो पहले साइंस, पॉलिटी, देन वी हैव करंट अफेयर्स, तब मॉडर्न इकोनॉमी, देन वी हैव ज्योग्राफी इन्वायरमेंट। 17 का जो हमने एनालाइज करा है इसमें जो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ दैट इज़ सबसे ऊपर है करंट अफेयर्स,
इसीलिए आप देख सकते हैं कि हर एग्जाम में करंट अफेयर्स का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और हमने इसीलिए ये कोर्स भी करंट अफेयर्स को बेसिस पे ही स्टार्ट करी है। हम करंट अफेयर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, हर महीने का करंट अफेयर डिस्कस कर रहे हैं, उसके 100-100 क्वेश्चन बताते हैं आपको। तो फर्स्ट इज करंट अफेयर, सेकेंड विल बी पॉलिटी, ठीक है, थर्ड विल बी नाउ साइंस, फोर्थ विल बी इको, क्योंकि इको में करंट के भी बहुत से एस्पेक्ट ऐड होते हैं इसीलिए। देन वी विल बी स्टडिंग ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, मॉडर्न, फिर मेडिएवल, एंशिएंट, ठीक है, और अदर जो एरियाज हैं बेसिक के अलावा उसमें आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, दैट इज इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट इवेंट्स, ठीक है, और स्पोर्ट्स अवार्ड्स। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से हम लोग एनालाइज करेंगे, 2018 का जो पेपर हम लोग डिस्कस करेंगे उसमें जो चीज़ें हम लोग देखेंगे, फिर 17 से मैच करेंगे, तब हम लोग अपना फाइनल स्ट्रेटजी डिसाइड करेंगे कि हमें किन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। ओके, तो आई होप यू लाइक द लेक्चर एंड यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द पैटर्न ऑफ द एग्जामिनेशन ऑफ 2017। तो 2017 का आपको लेक्चर समझ में आया होगा मुझे ऐसा लगता है, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ कॉमेंट करिए, कोई भी कोई डाउट हो तो हमें पूछिए, ठीक है। सो विल सी यू 11वें दिन के लेक्चर के साथ। एंड हाँ, जो डॉक्यूमेंट्स है मैंने अपलोड नहीं किए थे चैनल पे, तो आई विल बी अपलोडिंग ऑल दोज डॉक्यूमेंट बाय टुमारो, सारे डॉक्यूमेंट्स कल तक अपलोड हो जाएंगे अभी तक के लेक्चर के। कल हम लोग लेक्चर में मिलेंगे 11वें दिन, करंट अफेयर जो है वो सेप्टेम्बर और अक्टूबर महीने के साथ। ओके, सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स एंड सी यू टुमारो, बाय बाय, गुड नाइट।